अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो अभी आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं इस टाइम घर के बाहर खड़ी हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि ईद की शॉपिंग हर चीज़ तो होगी, लेकिन अब मैं कहाँ जा रही हूँ? तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको चल के बताती हूँ। जी, तो एज़ यू कैन सी के आई एम एट एम के एस्थेटिक एंड स्टूडियो। तो दे डिड इन्वाइट मी हेयर एंड फॉर लाइक माई मेकअप एंड हेयर डू। सो यू कैन सी हर क्लोथ्स एंड हेयर इज़ द नेम रिटन एम के एस्थेटिक एंड स्टूडियो। अभी मेरा स्टार्ट होगा मेकअप थोड़ी देर में, तो वो भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मेकअप करती हैं और उनके ड्रेसेस कैसे हैं, तो वो अब आपको आगे देख के पता चलेगा।
कि कितना अच्छा मेकअप किया है इन्होंने और हेयर डू तो बेस्ट लग रहा है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का लुक मेरा। तो ये आप देख लें, इनके स्टूडियो का नाम है AMK एस्थेटिक स्टूडियो, ठीक है। और ये इनके ड्रेसेस के डिज़ाइंस हैं, ऑलमोस्ट इनके सारे ड्रेसेस सेल हो चुके हैं लेकिन एक आध दो रह गए। दैट्स हाउ दिस स्टूडियो लुक्स लाइक। हाँ जी, तो मैं घर वापस आ गई हूँ और आप मेरा मेकअप लुक और मेरा हेयर डू देख सकते हैं कितना अच्छा इन लोगों ने किया। लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच AMK एस्थेटिक एंड स्टूडियो फॉर हैविंग मी देयर एंड डूइंग माय मेकअप एंड हेयर डू, बिकॉज इट लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स सो गुड ऑन मी। शुरू में व्हेन शी अप्लाइड बेस तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा केकी हो जाएगा और थोड़ा पैची लुक आएगा, बट द ओवरऑल एंड द फाइनल लुक आई लव इट। लेकिन थोड़ी सी जो मुझे कमी लगी वो सेटिंग पाउडर की लगी। थोड़ा सा अगर सेटिंग पाउडर यहाँ अंडर आइज अप्लाई कर देती तो इट वुड बी मोर बेटर। और अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रही हैं तो इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आई होप सो कि आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़।